भाटखेड़ा फंडे पर लगे चेकिंग के ये स्टॉपर कहीं मौत के स्टॉपर साबित ना हो जाए। इतना अंधेरा कि आदमी को दिखता भी नहीं। ये देखिए आप किस तरह दूर से ये स्टॉपर लगे हैं। हम जब इसके पास गए जब ये दिखे, तेज रफ्तार से वाहन चलते हैं इस हाईवे क्षेत्र में। आखिर एक मोटरसाइकिल सवार इससे टकरा कर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पर रेडियम भी नहीं लगे हैं। क्या इतनी लापरवाही कहें इस प्रशासन के जिम्मेदारों की कि इन्हें दिखाई नहीं देता है कि कोई व्यक्ति इस लापरवाही के चलते अपनी जान से हाथ धो सकता है। जागो, कब तक ऐसे ही सोते रहोगे? गलत है ना यार, अंदर में भी तो क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं आके देखा कि अंधेरे में स्टॉपर लगे जो दुर्घटना हो सकती है? ये तो अच्छा हुआ कि इस व्यक्ति ने हेलमेट लगा रखा था। हम वहाँ प्रत्यक्ष दर्शी थे इस घटना के। मोटरसाइकिल इस कदर रगड़ाई कि अगर हेलमेट नहीं होता तो व्यक्ति निश्चित तौर पर आज जिंदा नहीं बचा होता। घटना रात्रि लगभग 9:20 की है। 9:20 से ये व्यक्ति 10:15 बजे तक ऐसे ही पड़ा रहा। एम्बुलेंस 108 को फ़ोन लगाया, लेकिन 10:15 पर एम्बुलेंस यहाँ पहुँची। इस तरह ये व्यक्ति 9:20 से लेकर 10:15 तक ऐसे ही पड़ा रहा। ये देख लिए 9:45 का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ स्पॉट पे खड़ा हूँ। एम्बुलेंस अभी तक पता नहीं है, यहाँ पर आदमी घायल पड़ा हुआ है। ये 9:20 की घटना है, फ़ोन लगाया जाता है लेकिन एम्बुलेंस आती है 10:15 पर। हो सकता है कल कोरोना के ज़्यादा पॉजिटिव केस होने से 108 उसमें बिजी रही हो। पर हम एक और लापरवाही प्रशासन की बताते हैं कि क्या प्रशासन की लापरवाही से शहर में कोरोना फैल रहा है। ये एम्बुलेंस 108 कोरोना के पेशेंट को भी ले जाती है और जब ये एम्बुलेंस आई तो ना तो इसके वाहन चालक ने ना उसके अटेंडेंट ने मास्क लगा रखा, ना ही ये सैनिटाइज थी। उसी में इस व्यक्ति को ले जाया गया। आप सोच सकते हैं कि क्या पता कोरोना का संक्रमित भी अब ये व्यक्ति हो जाए। कई लापरवाही देखिए आप किस तरह की है। तो देर कर दी यार आने में। इसको क्या 1 घंटा हो गया इसको पड़ा है। तो देखा आपने, ये अटेंडर और वाहन चालक दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा है और ये कोरोना की 108 जो पेशेंटों को ला रही है उसमें अब ये व्यक्ति गया है। देखिए आप लापरवाही। अब आप इस टेंट की हालत देख लीजिए। ये टेंट लगे हैं और यहाँ पर जो कैमरे लगाए हैं लाखों रुपए खर्चा बताया जाएगा जिनका उनकी क्या हालत है। ये देखिए आप, टेंट तो पूरे चिंदे हो गए और ये कैसे लगा है। कैमरा तो ऐसे लटक रहा है मानो कोई पेड़ पर अमरूद लटक रहा हो। लेकिन ये अधिकारियां कभी देखते हैं यहाँ पर आकर कि क्या स्थिति है चौराहों पर, या सिर्फ नीमच के ऑफिसों में बैठे बैठे कोरोना को हैंडल किया जा रहा है। शर्म आती है ऐसी कार्य प्रणालियों पर। देखिए आप किस तरह से ये टेंट, इसका भुगतान भी होगा टेंटों का लाखों रुपए। लेकिन सब कुछ या कहे कि सीधी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं या लापरवाही की भेंट। क्यों नहीं जिम्मेदार अधिकारी आकर देखते हैं। हम रात को 10 बजे यहाँ कवरेज करते हैं लेकिन मजा ले कोई अधिकारी सीसीटीवी कैमरों को आकर देख ले कि क्या हालात चल रहे हैं। शर्मनाक। नीमच शहर की 20 सड़कों पर भी ऐसे लगे स्टॉपर हादसों को न्योता देते हैं। ये इनका आलसपन कहें कि रोज स्टॉपर हटाने लगाने में इनको आलस आता या मेहनत होती है, इसलिए लगे रहते हैं और लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। शर्म करो थोड़ी तो। तुम्हारी इस लापरवाही से आज किसी के सर से पिता का साया उठ सकता था या किसी का भाई या किसी का बेटा आज अपनी जान खो बैठता। ऐसी भी लापरवाही क्यों बरतते हो कि रेडियम भी नहीं लगाए जाते हैं और अंधेरे में स्टॉपर खड़े कर दिए जाते हैं, वो भी हाईवे पे। हड़के खाल वाला हाईवे की भी हमने कई बार शिकायत की है उच्च अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी एक ही बात, अधिकारी के उसमें इन्हें कुछ नहीं समझ आता है। पुलिस पंचायत के लिए संजय गोड़ की विशेष रिपोर्ट।